नमस्कार, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर के साथ साथ हम लोग उसी समय काल में बने और दो कंप्यूटर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता क्या है। What is electronic numerical integrator and computer? It was the first electronic computer developed by J. Prosper Eckert and John Mauchly in 1946. Electronic numerical integrator and computer दुनिया का सबसे पहला electronic computer था। It was the first electronic computer of human history. और इसका निर्माण जे. प्रॉस्पर इकट और जॉन मॉचली के द्वारा सन 1946 में किया गया था। इट वॉज एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज एंड इट कंटेन्ड सेवरल थाउजेंड डिफरेंट कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि इसको बनाने के लिए हजारों अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स को लगाया गया था। आपके स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर की तस्वीर मौजूद है। इस तस्वीर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कितनी बड़ी मशीन थी। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज एनियाक। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर को एनियाक के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको हम लोग एनियाक भी कहते हैं। इस मशीन को शॉर्ट में एनियाक कहा जाता है, जबकि इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। एनियाक also consumed huge amount of electricity. ENIAC को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि ENIAC का साइज बहुत बड़ा था और ENIAC को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के components को लगाया गया था, इसीलिए उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली का लगना बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा था। और हम जानते हैं कि बहुत बड़े साइज के किसी मशीन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोग यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इट वॉज फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अलॉन्ग विथ बिनाक, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बिनाक के साथ साथ दुनिया का सबसे पहला कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो था, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ लैब में मौजूद लोगों के द्वारा ही किया गया था। इट वॉज ओनली यूज्ड इन लैब। लेकिन यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और बिनाक दो ऐसे कंप्यूटर थे जिनको सबसे पहली बार मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल कराया गया था, ताकि आम इंसान इसको खरीद सके। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और बिनाक दोनों अलग अलग कंप्यूटर है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर दुनिया का सबसे पहला कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जबकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नहीं बल्कि बिनाक दुनिया का सबसे पहला कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। बिनाक का निर्माण यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर से पहले हुआ था। बिनाक को 1949 में ही लॉन्च कर दिया गया था और इसको कमर्शियली अवेलेबल भी कराया गया था, लेकिन बिनाक को बहुत ही कम लोगों के द्वारा परचेज किया गया था। बिनाक की रीच बहुत ही लिमिटेड थी।
जबकि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को 1951 में यानी बिनाक के बाद लॉन्च किया गया था, किंतु यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को बिनाक से कई गुना ज़्यादा लोगों ने परचेज किया था। इसीलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जबकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि बिनाक जो है वह दुनिया का सबसे पहला कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इट वॉज डेवलप्ड बाय जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉचली इन 1951। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा ही 1951 में किया गया था। आप अपने स्क्रीन पर जिस मशीन की तस्वीर देख रहे हैं वह यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की तस्वीर है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज यूनिवैक। इस मशीन को यूनिवैक के नाम से भी जाना जाता है। दिस मशीन इज ऑल्सो नोन एज यूनिवैक। इस मशीन का शॉर्ट में यूनिवैक नाम है, जबकि इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। फुल फॉर्म ऑफ बिनाक इज बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जबकि बिनाक का फुल फॉर्म बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। एंड इट वॉज डेवलप्ड इन 1949 और इसका निर्माण 1949 में हुआ था। इसका डेवलपमेंट 1949 में कंप्लीट हुआ था। बिनाक का निर्माण भी सर जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉचली ने ही किया था। आज हम लोगों ने जिन तीन कंप्यूटर्स के बारे में जाना यानी एनियाक, बिनाक और यूनिवैक, तीनों कंप्यूटर जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा ही बनाए गए थे। एनियाक दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जबकि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक और बिनाक को दुनिया का सबसे पहला कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। आज हम लोगों ने इन तीन कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस किया। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।